बाड़े की सरकार की एक योजना है। यही नहीं, मैं पानी वाला विभाग से संबंध रखता हूँ। आज पीडब्ल्यूडी के अंदर चाहे सड़कें हैं, चाहे पानी है, चाहे नहरें हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आने वाले समय के अंदर कुल मिलाकर के जनता मजबूर होगी बोतल बंद पानी पीने के लिए। एक दौर के अंदर जो कहते थे आप बैठ पी पानी तीन चीज बोलनी आनी, वो आप लोगों की पहुंच से बाहर होने जा रही है। सड़कें जितनी भी सड़कों पर हम चलेंगे देखेंगे हिसार से चंडीगढ़ तक रोड टैक्स देने के बावजूद भी हमें वहां पर टोल के रूप में एक अपनी जेब ढीली करवानी पड़ रही है। जितना का तेल लगाते हैं उतना टोल टैक्स के रूप में देते हैं। यानी कि सांस लेने के पीछे यह मोदी सरकार हमारे से हासिल करने जा रही है। तो सब्सिडियां समाप्त करी जा रही है और विभागों के अंदर छटनी लगातार जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्सिंग की भर्तियां। जो मैं देख रहा था वो जो तहसीलदार नायब तहसीलदार है वह भी आउटसोर्सिंग के तहत ठेके में भर्ती होंगे। पुलिस के अंदर हम ये कहते थे कि पुलिस के अंदर काम ठीक ठाक होगा, ये पुलिस के साथी बैठे हैं, इनमें कई तो एसपीओ हैं जो सेना से रिटायर्ड है और दूसरे हैं, उनको एक फिक्स वेतन के ऊपर पुलिस के अंदर लेकर के आया, जबकि यहाँ पर सेवा सुरक्षा से होके चलते जिंदगी और मौत। इनका 53,000 से फीस जो MBBS कर रहे हैं बच्चे 10,000 करने जा रही सरकार, 10 लाख हरियाणा में, जबकि अपने पड़ोसी राज्य है हिमाचल में 60,000 है, संसाधन कम होते हुए इसमें मात्र 35,000 है चंडीगढ़ में। और ये लोन देंगे, मान लो पैसे देंगे वापिस लेंगे और कई सालों तक के किस्तें भरेंगे उनकी बेवजह। अब साथी जिला प्रधान जनरल सिंह अपनी बात रखते हुए समापन करेगा। हरियाणा सरकार करड़ लाग रही है 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये दे के अगर अपना कोई बालक होशियार हो भी गा तो क्या हम उसको डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि सरकार ही कहती है कि लोन दिवा देंगे, लोन दिवाने में सरकार मदद करेगी, मतलब लोन दिवाने में मदद करेगी और लोन भी कितना 2-2% तक का, यानी सबसे महंगा होता है एजुकेशन लोन। आज किसानों के 3 अध्यादेश लाके देश को पूरी तरह से गिरवी रखने का काम किया है। इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनों को, यानी हर चीज को जो बेचने पर यह सरकार तुली हुई है, इसी के विरोध में है ये 26 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। और इस हड़ताल का के जो दूसरे मुख्य एजेंडे हैं, एक मिनट सर, नमस्कार, हड़ताल का नोटिस है पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम ट्रेड यूनियन हड़ताल कर रही है। उस हड़ताल का अग्रिम नोटिस प्रशासन को देना होता है, सभी विभागों को उनका निर्देश दिया, ये नोटिस था पूरे हरियाणा के अंदर जिला स्तर पर दे रहे हैं। एक तो जो सारे महकमों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को बाहर करके सभी साथियों को पेरोल पर लिया जाए, नई पेंशन पॉलिसी की जगह पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए, हमारे 1983 हटाए गए पीटीआई साथियों को दोबारा से नौकरी में वापस लिया जाए, 1,550 जो खिलाड़ी कोटे से भर्ती किए गए हैं इसी सरकार के द्वारा किए गए हैं, और कमाल की बात तो यह है कि वो साथी कोर्ट से जीत चुके एक बार, लेकिन सरकार जिसने लगाए वही सरकार डबल बेंच में जाती है हाई कोर्ट में, कितना दुर्भाग्य है। और वहां से वो साथी हार जाते हैं, उनकी नौकरी भी आज दाव के ऊपर है, उनकी नौकरी को सुरक्षित रखा जाए, इन्हीं मांगों को लेके 26 तारीख को, आने वाली 26 नवंबर को कर्मचारी मजदूर किसान नौजवान सभी साथी मिलके एक जोरदार हड़ताल करेंगे ताकि सरकार को पता लगे और सरकार अपनी नीतियों में संशोधन करते हुए जन विरोधी नीतियों को वापिस ले। इसी के साथ जय संघर्ष, जय एकता। सर जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है, किन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? 26 नवंबर को पूरे देश की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी इस हड़ताल में शामिल होगा।
उसी हड़ताल का नोटिस देने के लिए हरियाणा सरकार को कि हम इस स्ट्राइक में शामिल होंगे और इस स्ट्राइक का जो मुख्य उद्देश्य है, हम क्यों इस स्ट्राइक में शामिल होंगे। आज जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा निजीकरण को तेज किया जा रहा है, बच्चों को रोजगार के साधन खत्म किए जा रहे हैं, कल ही जो न्यूज़ है कि MBBS की क्लास MBBS सरकारी कॉलेजों में भी 53,000 से फीस बढ़ा के 10 लाख रुपए की जा रही है, यानी ये शिक्षा का निजीकरण हम कह सकते हैं। तो विभागों के निजीकरण को रुकवाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, और जो कर्मचारी कंट्रैक्टर के माध्यम से ठेकेदार के माध्यम से लगे हुए हैं, हमारी मांग है कि ठेकेदार को बाहर हटा के इन साथियों को सीधे सरकार अपने पेरोल पर ले और नई पेंशन नीति को वापस लेके पुरानी पेंशन नीति बहाल करवाने के लिए हरियाणा के जितने भी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, वो सभी मिलके 26 नवंबर को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। उसी हड़ताल का नोटिस देने के लिए आज हम यहाँ उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा सरकार को नोटिस दे रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे। सर, आज के प्रदर्शन में कौन से कर्मचारी संघों ने हिस्सा लिया है? सर्व कर्मचारी संघ की जितने भी संगठन हैं, चाहे वो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ है, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन है, पब्लिक हेल्थ है, स्वास्थ्य विभाग है, इसी तरीके से नगर पालिका है, नगर पालिका सहित सभी विभाग जो सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ CITU में आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, मनरेगा मजदूर हैं, ये सभी कर्मचारी मजदूर आज नोटिस डे पर पहुंचे हुए हैं।